कैसी है अपनी जनता? उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। तो भाई लोग, FFPL का वीक 2 भी एंड हुआ और इसमें हमें काफ़ी अप्स एंड डाउन देखने को मिले। जहाँ TSM बैक टू बैक भुया निकाल के अपना डोमिनेशन शो कर रही है, तो दूसरी तरफ TG ने भी अपनी कमबैक स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया है। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे वीक 2 के डे 3 का मैच नंबर 4, जहां मैच के बीच में ही प्लेयर्स ने फ्री फायर से नीड फॉर स्पीड पे स्विच कर लिया। कुछ तो शायद वाइस सिटी समझ के सबको उड़ाते जा रहे थे। चलो फिर ईयरफोन लगा के कुछ देर के लिए शांति से बैठ जाओ और देखो इतने एक्सीडेंट के बाद किस किस का चलान कटा। मैच 4 बरमुडा, मार्स इलेक्ट्रिक पे RNT ने TSM के साथ क्रैश लैंडिंग की, बट TSM कुछ सेकंड्स पहले प्लेन से लैंड हुई और उसका बेनिफिट हुआ उन्हें। RNT के एक प्लेयर को नॉक फिनिश किया तो और 3 प्लेयर्स को वहां से भगा दिया। RNT के प्लेयर्स भाग भाग के सेफ पोजीशन पे पहुंचे भी नहीं थे कि निग्मा गैलेक्सी और OG एलीट का एग्रेसिव माइंडसेट जाग गया। दोनों के बीच फाइट हुई और लग रहा था कि RDP को खोने के बाद OG बैक ऑफ कर सकती है, बट टीम ने RDP को बचाने के लिए और 3 प्लेयर्स की बलि दे दी। परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है, तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। और अंगुटान सिंहासन के लिए इसको जीना होगा। RDP को जीना होगा। RDP फिर वहां से ऐसा भागा कि NGX को नहीं मिला। इसके बाद शिपयार्ड पे ZD और DG की फाइट हुई। ZD ने ये फाइट आराम से जीत ली बिकॉज स्ट्रेटेजी काफी बढ़िया थी। 2 प्लेयर्स फ्रंट पे रश करने के लिए थे और एक बंदा लॉन्ग रेंज से कॉन्स्टेंटली कवर दे रहा था। शिपयार्ड पे इस तरह से अच्छे से फाइट ले सकते हैं और अगर ZT अलग अलग लोकेशन पर इस तरह से अपना दिमाग लगा के अपने प्लेयर्स प्लेस करेगी तो इनके फाइट जीतने के चांसेस हमेशा ही ज्यादा होंगे। इसके बाद PT रिमनाम विलेज से निकल रही थी लूट करके, बट TG टाइकून्स ने काफी कमाल की फील्डिंग बिछा रखी थी। सारे एंगल्स कवर किए, एक तरफ से PT ने ग्लूवाल लगाई तो दूसरी तरफ से नॉक हो गए, इसलिए टाइकून्स ने भी आसानी से यहाँ 3 किल्स उठा लिए। इसके बाद जोन राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ और सभी टीम्स अपना रोटेशन करने लगी। TG ने सबसे पहले वो ब्रिज हत्या लिया जो उनकी जीत का मंत्र हो सकता था। TG टाइकून्स ने इस बीच इंसेन पे रश किया और इस बार भी फाइट को कोऑर्डिनेटेड तरीके से लिया। एक जगह लास्ट में कॉन्सेप्ट ने ओवर कमिटमेंट की थी अकेले रश करके, उसके अलावा सभी जगह टीम का कोऑर्डिनेशन टॉप नॉच था। TG ने ब्रिज पे होने का भरपूर फायदा उठाया और चारों तरफ से किल्स उठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी साइड से निग्मा गैलेक्सी कॉन्स्टेंटली TG को तंग कर रही थी। फिर आता है ड्रैगो का नेड और दुनिया जानती है ड्रैगो का नेड कभी खाली नहीं जाता। सोम और डिवाइन इस नेड से नॉक हो गए, बट TG के सामने एक प्रॉब्लम थी कि जोन ब्रिज के सामने ओपन ग्राउंड की तरफ शिफ्ट हो गया। 2 प्लेयर तो बाइक से जम लगा के चले गए। डिलीट ने ऊपर से ताहिर को फिनिश भी किया, बट प्रॉब्लम ये थी कि डिलीट ने नीचे आने में देरी कर दी। जोन आ गया था, ड्रैगो नॉक था, उसे रिवाइव दिया ही था कि ओल्ड मॉन्ग ने रश करके दोनों को फिनिश कर दिया। माफिया वाला, TSM के प्लेयर्स और बचे हुए RDP धूम की शूटिंग करने लगे। देखो यार, तुम्हें शूटिंग करनी है तो करो, बट माफिया को टक्कर तो मत मारो। वो 2 बार बचा था नॉक होते होते, लेकिन तीसरी बार में नॉक हो गया। फिर RDP और माफिया वाले की सुपर बाइक ने सबको फिनिश कर दिया, बट RDP ने पहले बाइक से उतर के बाला पे शॉट ले लिया और अकेले अपनी टीम को भुजा दिला दिया। इसी भुजा के साथ RDP ने पहाड़ी किलर और आइकोनिक का बलिदान खाली नहीं जाने दिया। चलो तो हम सब भी इस बलिदान के लिए इस वीडियो को लाइक करके सबको ट्रिब्यूट पे करेंगे। देखो मजाक नहीं भाई, कर दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ माफिया वाला और RDP में से हैवी ड्राइवर कौन है। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।